भर में मध्य प्रदेश को उसकी प्राचीन कला, सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची स्तूप, जिसे धर्म चक्र का प्रतीक माना जाता है। यह स्तूप पूरे विश्व का सबसे पुराना बौद्धिक स्थल है, जिसे मौर्य साम्राज्य के दौरान सम्राट अशोक ने बनवाया था। दरअसल सांची का यह स्तूप बौद्ध धर्म के चार महान स्तूपों में से एक है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1979 से ही विश्व धरोहर स्थल की मान्यता प्राप्त है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद करवाया था, जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। इस स्तूप को भारतीय वास्तुकला और बौद्ध धर्म का अद्वितीय उदाहरण भी माना जाता है। सांची में हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, जो यहाँ की ऐतिहासिकता का अनुभव कर बौद्ध धर्म की गहराई को समझते हैं। सांची को ध्यान और साधना के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यह स्तूप भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यहाँ की वास्तुकला, इतिहास और धार्मिक महत्व इसे अद्वितीय बनाती है। सांची का दौरा करना न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहराई को समझने का एक अवसर भी है। साथ ही सांची स्तूप को 200 रुपए के नोट पर भी रूपांकित किया गया है, जो कि देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। सांची परिसर में 7 अन्य स्तूप, कई बौद्ध मंदिर और 5वीं शताब्दी के गुप्त मंदिर के खंडहर भी मौजूद है, जिन्हें विश्व की सबसे पुरानी मंदिरों में से जाना जाता है। भारत का राष्ट्र प्रतीक सिंह स्तंभ भी स्तूप के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। साथ ही आज देश की कई अन्य आधुनिक इमारतों की डिजाइन भी सांची के स्तूप से प्रेरित है।